स्टार्टिंग, पॉज का ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये अब से रिकॉर्ड होगी, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जी भाई बताना शुरू करो, और कोई बच्चा खुद हैंड रेस कर ले तो अच्छा। जी भाई आप बताओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ, गुड हो गया भाई। कॉर्नर वाले शहजादे स्टैंड अप। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था ऐसे ही। हाँ, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, एक्सटर्नल पार्ट का मतलब क्या, मतलब ये बाहर है, अगर इसको खोल के अंदर देख लूं, फिर सीपीयू खोल के देख लूं, फिर तो फिर एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? जी, जिनको फिजिकल टच किया जा सके। ठीक है भाई, बैठ जाओ, शाबाश। नेक्स्ट, अगली क्या चीज बताई थी, दूसरा पार्ट क्या था सॉफ्टवेयर का? जी हसीब साहब, ऐसा ही है। अच्छा, तुम मन्नान हो, हसीब के छोटे भाई हो, बताओ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा होते हैं भाई, ये बताएगा। सॉफ्टवेयर कौन से पार्ट होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है? हार्डवेयर की डेफिनेशन जैसे दी थी उसकी अपोजिट है। जी भाई, जिसे हम टच नहीं कर सकते, समझ आई? ये तो बड़ा बदमाश निकला है, बैठ जाओ तुम। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, टच करके दिखाओ आप। ये देखो, टच किया ऐसे, पकड़ा यहां से, ये टच, फिजिकली टच ही नहीं कर सकता मैं इसको, है ना। अच्छा, सॉफ्टवेयर में कितनी टाइप्स होती हैं? दो। पहली को बताएं क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनको हम कंप्यूटर की जबान में और क्या बोलते हैं। हाँ नहीं, उसका एक और वर्ड दिया था, ब्रैकेट में लिख के बताया था, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। शाबाश, बैठ जाए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनको हम बोल रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऐसा जो के सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एग्जांपल दे दो। दानियाल, जैसे कोई, अरे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कोई डिवाइस तो नहीं हो गए भाई? नहीं 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 शहजादे, आप हाँ खड़े हो जाओ, शाहरुख खान लग रहे हो। चलो, जिससे हम चीजें कम या ज्यादा ही हो सकती हैं चीजें, बस खाना खा लिया तो कम हो गया, ज्यादा कैसे होगा? जी भाई, और कोई? ना ना ना, वो ब्लैक शर्ट क्या हुआ, ये वैसे ही लगाया हुआ है। अरे विंडोज और आईओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स, ठीक है, मैक, ये सारी कंप्यूटर के लिए, डेस्कटॉप की बात करूं तो विंडोज, लिनक्स और मैक। मतलब एप्पल वालों का कोई कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा? मैक, मैक, मैक। डेस्कटॉप की बात करो, कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा। अगर एप्पल का मोबाइल होगा तो क्या होगा? आईओएस। और इसी तरीके से अगर एंड्रॉइड का मोबाइल होगा तो उसमें एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड के मोबाइल से मुराद जितने भी लोग नॉर्मल, आप सबके पास मोबाइल है, वो सबके सब क्या है, ये आप सब गरीब हो इसको छोड़ के, इसके पास आईफोन है, ऐसा ही है। मजाक कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जो विंडोज वगैरह है वो तो हमारे यहाँ यूज। अच्छा, इसमें भी कंप्यूटर्स के अंदर तीन किस्म की विंडोज आती हैं, जिसको हम विंडो ही समझ रहे होते हैं, समझ लो तीन किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या क्या है बोलो? विंडोज, लिनक्स और क्या नाम है इसका, मैक। ठीक है, एप्पल के कंप्यूटर्स में मैक, नॉर्मल सब कंप्यूटर में विंडोज, और नॉर्मल सब कंप्यूटर में विंडोज के साथ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जा सकता है, जो कि लिनक्स है। लिनक्स बहुत ही ज्यादा सिक्योर किस्म का सिस्टम है, उसको हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
सबसे इजी है, और इन सब में फ्री कौन कौन सा है इन तीनों में से, लिनक्स, विंडोज और क्या नाम है ये मैक, तीनों में से क्या फ्री है? विंडो। किसी को भी नहीं पता विंडो पेड है बेटा, विंडो को पैसे भरने पड़ते हैं। ये तो हम जो चलाते हैं विंडो दो नंबर तरीके से चलाते हैं, पाकिस्तान में पूछा नहीं जाता, बाहर मुल्कों में जितनी भी जगहें हैं बड़ी कंट्रीज हैं उन सब में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में आपने यहाँ लैब में जितने कंप्यूटर लगाए हैं, हम तो इंटरनेट का सिर्फ बिल दे रहे हैं, उसमें इंटरनेट कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल है हर विंडो की पेमेंट होती है, वो खरीदी हुई विंडो होगी, लाइसेंस्ड विंडो होती है। हम तो देखें ना क्रैकर लगाते हैं उसको विंडो को एक्टिवेट करने के लिए, वहां क्रैकर वाला काम नहीं है, वहां पर अगर ऐसे पकड़ेगा तो जुर्माना है चोरी का कि आपने चोरी की है विंडो। तो हम तो चलाई यहाँ सारे सॉफ्टवेयर चोरी कह रहे हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल कर रहे होते हो तकरीबन सारे के सारे पेड है, हम उनको चोरी करके यूज कर रहे होते हैं। ये आप देख लो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है ये भी पेड है, हम ये भी चोरी कर रहे होते हैं एक्सेल वर्ड सारा, ठीक है यहाँ अवेलेबल है इस वजह से, वरना आपको इसको पे करना पड़े पर डॉलर के हिसाब से। कंपनीज में बाहर जितने भी सिस्टम है उनमें विंडोज इंस्टॉल हुई भी है, एक महीने बाद या छः महीने का पैकेज लेते हैं, छः महीने बाद एक्सपायर हो जाती है, वो सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करती है। अब वो लोग ये नहीं करते गूगल पे जाओ क्रैकर डाउनलोड करो क्रैक कर लो, वो क्या करते हैं कॉल करते हैं कि भाई विंडो एक्सपायर हो गई, बोलते हैं ठीक है इतने डॉलर पे करें, वो उनको पे करते हैं वो विंडोज एक्टिवेट करके दे देते हैं। पेड और अनपेड में हलाल और हराम के तरीके में जो फर्क है वही है, बस एक चीज है जुगाड़ से आप मार के ले लो और एक जो है वो आप जायज तरीके से पैसे देकर ले रहे हो। देखो दोनों में क्रैक निकाला है, देखो ये अगर मैं विंडो है ना एक्टिवेट विंडोज सेटिंग, अभी चेक करते हैं ये विंडो एक्टिव है या नहीं हमारी, विंडोज एक्टिवेटिंग का ऑप्शन दे रहा है नहीं, एक्टिवेट विंडो, अच्छा ये विंडो 10 ही ऐसे ही देगा, नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है अजान हो जाए, ठीक है भाई यहाँ पर आते हैं। जैसे ये विंडो है ये विंडो एक्टिव नहीं है, ठीक है ये विंडो एक्टिवेट नहीं हुई भी, इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, असल में ये मांग रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की देनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट की क्या है, ये वो कंपनी वाले हमें प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इसको चलाएं। तो हम क्या करते हैं जुगाड़ तरीका करते हैं, हम इसको जाते हैं क्रैकर निकालते हैं, उस क्रैकर में होता क्या है, असल में होता है प्रोडक्ट की है ना 14 या 15 नंबर की, वो क्या करता है जर्नली अप्लाई करना शुरू करता है अल्फाबेट्स को, ट्राई करता रहता है कोई ना कोई एक मैच कर जाता है क्रैकर लगा देता है, या विंडोज के अंदर ऐसी फाइल्स होती है जिनको जहां से एक्टिवेट हो रही होती है उन फाइल को कैच करता है, वहां जाके नई प्रोडक्ट की लगा के दिखा देता है विंडो एक्टिवेट। जब एक्टिवेट नहीं होती ना विंडो तो कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने में प्रॉब्लम करता है, छोटे छोटे मसले मसाइल पेश आते हैं, और 30 दिन गुजरने के बाद या एक डेढ़ महीना गुजरने के बाद फिर तंग करना शुरू कर देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के आप एक्सेल वगैरह इंस्टॉल करें बगैर प्रोडक्ट की थे, पहले तो इंस्टॉल ही मुश्किल से होते हैं, अगर हो जाए इंस्टॉल तो आप चलाओगे 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 मंथ का ट्रायल होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप अगर उसको ऑन करेंगे तो वो चलेगा नहीं, आपको कुछ भी टाइप नहीं करने देगा लिखने नहीं देगा, तो फिर हम उसको क्रैकर यूज करके एक्टिव कर रहे होते हैं। खैर आते हैं आगे की तरफ, हम लोग ये चीजें हम लोगों ने देखी थी सॉफ्टवेयर के हवाले से, फिर हमने नेक्स्ट लेवल पे आए थे, हमारा काम किस में होता है ब्राउजर के ऊपर होता है, ब्राउजर पे क्या चलाते हैं हम लोग वेबसाइट्स चलाते हैं, ठीक है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बेसिक कितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है आज हम इंशाल्लाह किससे स्टार्ट लेंगे, हाँ अच्छा जब भी ये कोडिंग करनी हो तो हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हाँ हम जिस पर टाइपिंग करेंगे या काम करेंगे वो कौन सा है, वीएस कोड। अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आज ही आया हो कल ना आया हो, कल नहीं थे आप दोनों, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब आते हैं सिंपल, मैंने बताया था वीएस कोड आपने क्या करना है, यहां जाना है गूगल पर, गूगल पर जाने के बाद आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है, कहां से डाउनलोड करना था, गूगल पे जाते हैं आप लिखते हैं वीएस कोड, डाउनलोड पर चले जाओ फ्री डाउनलोड पर, यहां आ जाओ ये मिल जाएगा आपको, आप इस पर आ जाओ विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन देगा आप इसको डाउनलोड कर दें। देखो कितने वर्जन दे रहे हैं, 3 विंडोज, ठीक है लिनक्स और मैक,
एप्पल वालों के लिए ये है, विंडोज के लिए ये रहा, इन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ फ्री जो है वो लिनक्स है। लेकिन लिनक्स यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि लिनक्स बहुत हार्ड है यूज करने में, हर आम बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने तो देखा फोल्डर ऐसे है, उसमें इतनी इजीली हर चीज बनती नहीं है, उसमें फाइल्स के अंदर फाइल में जाना, सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ऐसे ब्लैक स्क्रीन पर जाके करना होता है। यहाँ पर लिखना होता है सीडी और फोल्डर का नेम डॉट डॉट, इस तरीके से कुछ कमांड्स होती हैं वो चलानी पड़ती है, जबानी याद रखने पर। डायरेक्टरी बनानी होती है तो इस तरीके से बनती है हर एक चीज। जी हमारा लिनक्स से काम ही नहीं है तो क्यों समझेंगे, हमारा लिनक्स से काम ही नहीं है। लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो जैसे एक बंदा है वो छोटा मोबाइल चलाता है, उसको आदत है छोटे मोबाइल चलाने की, अब उसको एंड्रॉइड दे दो अचानक से नहीं चला सकता, अब वो कैसे सीखेगा, वो लेगा एंड्रॉइड उस पर चलाएगा तो ये फर्स्ट टाइम तो आपको विंडो भी नहीं आती थी, आपने विंडो को इंस्टॉल किया आपको पता चला अच्छा ये कंप्यूटर है, ये इस तरीके से चला चला के आ गया, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी वैसे ही चलाते हैं लोग। हाँ ये है कि लिनक्स थोड़ी सी टफ है, कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, वो यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, आप वहां जाके उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीख लेते हैं, वो एक अलग से पार्ट है कंप्यूटर का, विंडोज का। बाकी ये है कि उसको खास तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो बैकएंड डेवलपर करते हैं। बैकएंड डेवलपर मतलब जो डेटा का बैक पर काम कर रहे होते हैं। हमारे मैंने कल बताया था दो किस्म की वेबसाइट के अंदर काम होता है, एक बैकएंड डेवलपर है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वाले किस पर, डिजाइनिंग विजाइनिंग पर, बैकएंड वाले डेटा पे काम कर रहे होते हैं, और डेटा का ही मसला होता है, डेटा को सिक्योर रखना होता है। मैंने कहा लिनक्स की सिक्योरिटी टफ है, तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि किसको यूज करें, लिनक्स को। खैर यहां आते हैं हम लोग, ये हमने इंस्टॉल कर ली, जब वीएस कोड आपने अपने पास एक न्यू फोल्डर बना दिया, हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसको पहले कल मेरा ख्याल है बनाया हुआ था, हम ये फोल्डर लाते हैं, इसको नाम देते हैं, आपके बैच का क्या नाम है, M1। किस डेट को स्टार्ट हुआ ये, 1 नवंबर 2023, ऐसा ही है। अबे भाई अलाइन हट जा, एग्जिट। ठीक है ये आ गया, हम इस नए फोल्डर में आ गए। अच्छा ये स्क्रीन आधी दिखती है आपको, न्यू फोल्डर में आ गए, सारी फाइलों को रिमूव करते हैं। यहां हमने क्या करना होता है, वीएस कोड ओपन करने के लिए राइट क्लिक किया और ओपन कर दिया। अगर ये ना आ रहा हो किसी केस में तो अगर ऊपर जाके एंटर किया फिर भी ना ओपन हो तो, हाँ अगर यहां सीएमडी पे जाके लिखा CODE स्पेस डॉट और एंटर किया फिर भी ना चला तो फिर भाई आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लो फिर चल जाएगा। ठीक है, अगर बोले ना भाई रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, उसको पता नहीं है क्या है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में वो है ही नहीं चीज, आपको इंस्टॉल करोगे तो अगर चल गया इसका मतलब इंस्टॉल है। जी नहीं नहीं ये सिर्फ वीएस कोड के लिए है, बाकी ऑपरेटर तो सिंपल जिस तरीके से ये है हर एक का ऑप्शन होता है, नॉर्मल जो होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं इंस्टॉल, आप डबल क्लिक करके यहां से वीएस कोड भी, मैंने कहा यहां से भी आप चला सकते हो। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स हैं, वरना यहां से चलाने पड़ते सारे, आप यहां से क्लिक करो ओपन होता है, यहां से न्यू फोल्डर बनाओ फाइल बनाओ वहां जाके। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जिस फोल्डर में काम करना है वो यहां बना के वीएस कोड के थ्रू चला लेते हैं उसको। अब हमने बनानी है क्या, एक नई फाइल, क्या चीज बनानी है। अब ये नई फाइल कैसे बनेगी इसको भी हम देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आपने ये हटाया, यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर आ, देखो यहाँ पर भी है ये रहा, ये देखो फोल्डर, ये मैं बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, दोबारा दिखाता हूँ यहाँ तक, ये देख रहे हो ये आपके फोल्डर का नाम आ रहा है M10 1 नवंबर, और ये आ गया यहाँ न्यू फोल्डर है, न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल क्यों बना रहे, इस फाइल में हम क्या करेंगे, काम करेंगे अपना कोडिंग का। ठीक है, इस फाइल को नाम क्या देना होता है, क्यों, जी भाई शिदादे तुम बताओ, चलो इसको हम क्या नाम देते हैं, इस फाइल को पहली फाइल बनाएंगे, शाबाश, इसको नाम क्या देंगे जी, नहीं नहीं न्यू फोल्डर तो फोल्डर का नाम होगा, फाइल को क्या नाम देंगे जी,
नहीं, दानियाल इंडेक्स का नाम दे रहे हैं हम क्यों? हाँ, ताकि क्योंकि हमारी वेबसाइट की सारी डिटेल इसमें होगी, एक ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है कि जब भी हम अपनी वेबसाइट या किसी भी काम को लाइव करते हैं तो उसमें जो पहला काम लाइव होता है वो किसके थ्रू होता है? इंडेक्स की फाइल पे। बात समझ गए सब? सिस्टम छोड़ दें, सब बच्चे सिस्टम छोड़ दें, सिस्टम पे आप लोगों ने काम नहीं करना। देखो मेरे पास ना पावर है यहाँ पे एक, वो पावर पता है क्या है? आपके कंप्यूटर पे क्या आ रहा है? आ गई मेरी स्क्रीन, ठीक है। और ये भी है कि आप यहाँ आए और मैं कर दूँ शो टीचर, हट जाएगा, उसके बाद थोड़ा हैंग हो जाएगा, तंग करता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, व्यू ऑल, आप सिस्टम पे क्या कर रहे हो, कौन? ये मेरे पास स्क्रीन पे मुझे सबकी स्क्रीन दिखती है, तो कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आप वैसे ही फंस जाओ। तो जो ऑन है सिस्टम पर वो मुझे यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, किसी की स्क्रीन पर कुछ भी उल्टा सीधा दिखा या जब मैंने बोल दिया काम नहीं करना, आप काम कर रहे हो तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो मेहरबानी फरमा के आराम से इसको छोड़ दें। ये मैं दिखा रहा था, पावर होती है हमारे हाथ में, ठीक है। अच्छा भाई, न्यू फोल्डर फाइल बना दी, इस फाइल को सही बनाई है मैंने फाइल? नो सर वाले बच्चे बोल रहे हैं कुछ, नो सर वाले कौन कौन से? गुड, और बाकी सब सही है? ब्लैक शर्ट, शर्ट पहनी है ना आपने, चले बता दें। इंडेक्स के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉट एचटीएमएल? डॉट, अच्छा ये मैंने क्या, ये बच्चे कुछ होंगे कंफ्यूज हो रहे हो, ये F2 दबाया मैंने कीबोर्ड से। फाइल को सिलेक्ट करो, किसी भी कंप्यूटर में फाइल पर आप F2 दबाओगे वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर F2, ये डॉट, बैठ जाए आप, बैठ जाए। डॉट का क्या मकसद होता है किसी फाइल के अंदर? डॉट लगाने से क्या होता है? डॉट के बाद जो चीज लिखते हैं वो क्या कहलाती है? फाइल, फाइल एक्सटेंशन कहलाती है। भाई फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ग्लासेस वाले खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, शाबाश जी भाई। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? कल तो आए थे आप, फिर टेंशन नहीं लेनी, जैसे समझ आ रहे। फाइल एक्सटेंशन, इसने बताया एक लफ्ज ने क्या होती है फाइल की, किसने बोला? पहचान, किसने बोला था? हाँ, इसने बोला फाइल की पहचान। पहचान से क्या मुराद है? नहीं नहीं, थोड़ा और सोचे, क्या क्या फाइलों की पहचान? मैंने आपको तीन चार फाइलों की पहचान बताई थी यहाँ पे, डॉट के बाद एक लिख के दिखाया था मैंने, देखो इसकी चेहरा ऐसे हो गया, इसका फेस ऐसे हो गया, अभी ऐसे बन गया, बताओ क्या था? सोचो सोचो। ब्लैक केप, आपको ही देख रहा हूं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बेटा, नजर रखना वो क्या जवाब देते हैं। जी हाँ ठीक है, MP3 का, शाबाश, और ठीक है, शाबाश, सही है। JPG, हाँ JPG.png, शाबाश, बैठ जाओ। ये सब पहचान है, हमें बता रहे हैं कि भाई आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है। हम कंप्यूटर को क्या बना रहे थे? बेवकूफ बना रहे थे, ठीक है। वो हम .png लिखते थे, बोलता था इसमें पिक्चर है, हालांकि इसमें पिक्चर थी ही नहीं, ठीक है। ये अब यहां आके आप कर सकते हो डॉट HTM या HTML, एक ही बात है, HTM भी चलेगा, HTML भी। अगर आप HTM में L नहीं लिखते तो उससे पता ही क्या होगा, टाइम बच जाएगा एक नंबर लिखने का, वरना आपकी मर्जी आप HTML भी लिख दो। ये हो गया, इस चीज को आप लॉग इन ऑफ कर सकते हो। अच्छा अब आते हैं यहां, वाओ ये तो ऐसे जूम हो रहा है, ये जूम कैसे हो रहा है ये मुझे कैप वाले शख्स आप बताओ। ये ऐसे ना, मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, इसको बोलते जूम इन जूम आउट। जैसे यहां कुछ लिखा, देखो छोटा सा हो गया, ये कैसे हुआ? आप हाँ, ये कैसे हुआ? हाँ फिर नहीं, कैसे होता रहेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? वो हो गया, अभी बताओ अभी हो कैसे रहा है? मैं तो सेटिंग पे नहीं जा रहा ना, अभी कम ज्यादा हो रहा है, ये कैसे कर रहा हूं मैं, कौन से बटन दबा रहा हूं? माउस का कौन सा बटन दबा रहा हूं?
रोलर सिर दबा रहा हूं, नहीं चल रहा, बताओ भाई। कंट्रोल दबाकर आप इसको जूम इन जूम आउट करते हैं, समझ गए बात यहां तक जी? हाँ, मैं भी यहीं पॉज करने वाला था, तो हम वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है? तो हम यहां तक थे, इसको जूम इन जूम आउट वाला काम मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंट्रोल दबा के आपने स्क्रॉलिंग ऑन करनी है, और ये ऑप्शन तब चलेगा जब आप इसको सेटिंग में जाके व्हील का ऑप्शन ऑन करेंगे। अब हम यहां पर कुछ टाइप करेंगे जो चीज हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज तो हमने देख ली कि ये फाइल कहां पे ओपन है, किस में खुलेगी अब ये फाइल? अगर न्यू फोल्डर पे जाऊंगा अपने इस फोल्डर में, तो ये फाइल किस में खुलने वाली है? ब्राउजर पर चलने वाली फाइल है ये, ठीक है? ये फाइल चलेगी ब्राउजर में। मुबीन साहब छोड़ दें, सिस्टम छोड़ दें, सारे बच्चे कोई काम ना करता वे दिखे, बिल्कुल आपने सिर्फ यहां फोकस रखना है, सिर्फ ये काम जो मैं करवा रहा हूं ये आप लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे सिर्फ कहां पर? कॉपी पे, शुरू में कॉपी पेन पे आप देख के लिख सकते हो, ये बताया सर ने, ये बताया, ये बताया। अच्छा, अब मैं आता हूं यहां पे, और अब जो हम काम स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए कुछ चीजों को हमने देखना है। अगर मैं यहां कुछ भी लिखता हूं, मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, बिलफर लिख देता हूं, दिस इज आवर सेकेंड क्लास लिखा, इसको सेव कर दिया, सेव किया, यहां आता हूं और इसको क्रोम को ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लिया तो इसको हटा देता हूं मैं, इसको ओपन किया मैंने और मैं अल्ट टैब से दबाकर यहां आता हूं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं, क्या आ रहा है? यहां लिखा हुआ आ रहा है, यही काम चल रहा है। देखो, एक समझ लो वेबसाइट की तरह काम कर रहा है या नहीं, एक वेबसाइट है पूरी समझ लो, ये गूगल पे खुला हुआ है, दिस इज ये। लेकिन मसला ये है कि ये अगर आप ऐसे ही रखोगे ना, इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखो, कुछ भी लिखो विदाउट एनी टैग्स या कुछ भी, बस सीधे सीधे लिखते जाओ आप, सेव करो, रिफ्रेश करो, ऐसे आता रहेगा ये, इसमें बस ये ऐसे आता रहेगा, ना नेक्स्ट लाइन में आने वाला है कुछ, ना कुछ आगे पीछे, बस ये ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि HTML का फाइल है, HTML में चल गए, टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट यहां पर आ गया, लेकिन HTML है HTML, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं, यहां आ जाता हूं, HTML को डिटेल में आते हैं, ठीक है? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? ये ऐसी लैंग्वेज है, टैग्स की लैंग्वेज है, किसकी? टैग्स की लैंग्वेज है, मार्कअप यानी कि सैंबल्स की लैंग्वेज है। इसमें कुछ ऐसे सैंबल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लिखते हैं तो ये समझता है क्या करना है। देखो, यहां मैं कुछ भी लिख रहा हूं, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? अब एक चीज देखो, अच्छा एक तो मैं ये सेव करता हूं, खाली सेव किया हुआ है मैंने ये सिंपल, देखो यहां मैंने कैसे लिखा है, मैंने ऐसे ही लिखा है, मैंने तो दो लिखे हैं, आ एक ही रहा है। HTML असल में लैंग्वेज है इस टैग की, जुबान की। ये टैग कहलाता है ओपनिंग, पहला वाला टैग क्या कहलाता है? ओपनिंग टैग कहलाता है, और दूसरा टैग क्या कहलाता है? क्लोजिंग टैग। समझ गए बेटा? कोई मसला, कोई भी टैग ओपन होगा तो वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज होगा लाजमी, ठीक है? कोई भी टैग ओपन होगा तो वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज लाजमी होगा। अच्छा, ये टैग खाली नहीं होते, इन टैग में कुछ लिखा हुआ होता है हर टैग, ठीक है? अब पहला जो टैग है आप सिंपल समझ लो, वो होता है HTML का टैग, ओपन HTML क्लोज, लिख दिया, सेव करता हूं, अब स्क्रीन पे क्या आएगा? HTML, कुछ भी नहीं आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैंने वहां लिख दिया कुछ और ये समझा इसने कुछ दिखाया नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि ये HTML एक बॉर्डर लाइन है, एक टैग है ऐसा जिसने क्या करना है, बता दिया ये ओपनिंग है HTML, यहां से स्टार्ट और यहां पे क्लोज है, यहां से स्टार्ट यहां से क्लोज है, इसके दरमियान में कुछ भी लिखूंगा वो वेबसाइट का हिस्सा होगा। अब ये समझ गया, HTML फाइल HTML स्टार्ट की, ये ओपनिंग टैग हो गया, अब इस टैग के दरमियान में कुछ भी लिखूंगा उसने स्क्रीन पर आना है। लेकिन अगर अब फिर मैं यहां कुछ और सीधा लिखूं वो सिंपल यहां आएगा। अब कुछ हिस्से हैं, देखो ये जो HTML ऑन है ये पूरा हिस्सा है, पूरी एक ब्राउजर है, इसमें दो हिस्से हैं, ये HTML के अंदर ना दो हिस्से बनते हैं, एक पार्ट है ये वाला,
किसी भी वेबसाइट का। देखो आप किसी नई वेबसाइट को खोलोगे, उसके लिए एक नया टैब खोलोगे, उस वेबसाइट का नाम यहां आएगा और यहां उस वेबसाइट का, बाकी ये तो क्रोम का अपना हिस्सा है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उस वेबसाइट का होगा, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट कहलाता है हेड। क्या कहलाता है? हेड। और ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है बॉडी। क्या कहलाता है? हेड पे क्या होता है? हेड पे देखो हर उसका टाइटल नजर आएगा, जैसे मैं यहां पर आ जाऊं GOOGLE.com, गूगल आ गया, इस पर क्या आया है? गूगल का लोगो और यहां गूगल लिखा हुआ, ये टाइटल है। और देखो इधर ये पेज चेंज हुआ, अगर आप मैं यूट्यूब खोल लूं बिलफर, यहां यूट्यूब चेंज हुआ और यहां यूट्यूब की बॉडी चेंज हुई। ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ये URL, ये सब ब्राउजर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा ये भी हेड का पार्ट है, ये वाला भी, यहां पे भी आगे जाके हम टारगेट करेंगे, अभी नहीं, अभी आप इसको छोड़ दो, ये क्या है कैसे है, ठीक है ये। लेकिन ये वाला वेबसाइट का हिस्सा है और ये वाला खास वेबसाइट का हिस्सा है। बेटा यहां तक बात समझ गए, क्लियर हुई, ठीक है। HTML, अब HTML, ये जो HTML है ना, ये समझ लो पेरेंट टू चाइल्ड की फॉर्म में वर्किंग करती है। किस तरह वर्किंग करती है? पेरेंट टू चाइल्ड मतलब एक सबसे बड़ा टैग है, उसके अंदर कुछ है, फिर उसके अंदर कुछ सब ब्रांचेज है, उसके अंदर सब, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारी हैं, उसमें एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में दो पार्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ये पार्ट है। ऐसे ही HTML भी ऐसे ट्री के फॉर्म में चल रहा होता है। सबसे बड़ा कौन है? HTML। उसके दो बच्चे, HTML के कितने बच्चे? दो बच्चे, एक का नाम है हेड। अब ये कैसे लिखना है? हेड, ये टैग ओपन हुआ, हेड लिखा, क्लोज किया, देखो क्लोजिंग टैग खुद आ गया। ये अब VS Code का फीचर है, VS Code का कमाल है। पहले जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते थे ना, वहां ये नहीं होता था, वहां इतनी अन्नी मची नहीं है, देखो यही वाली चीज ऐसे लिखनी पड़ती थी। अब सोचो क्या फीलिंग आती है, यहां पे, यहां में लिखता है ऐसे HTML, ये फिर यहां आता करता HTML क्लोज, फिर यहां आता लिखता HEAD हेड, फिर यहां आता नीचे लिखता हेड क्लोज, ये रहा HTML के अंदर हेड आ गया ऐसे, फिर भी तो ये बड़ा मुश्किल काम होता था। अभी HTML के अंदर ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमें समझ आ गया, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का कहानी की कहानी समझने सेव किया। देखो यहां कुछ है, अभी भी कुछ नहीं आया, अभी भी कुछ नहीं, मैं आता हूं यहां भी कुछ लिख देता हूं, देखो यहीं पे नजर आ रहा है, ठीक है। आप कुछ भी लिख रहे हो तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कुछ हिस्सों में, ताकि हमें समझ आए कि भाई HR ये चीज कैसे काम करिए। तो HTML का पहला बच्चा कौन है? हेड, मतलब HTML एक पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी HTML, इसके अंदर ये हिस्सा हेड, उसके बाद बॉडी, तो बॉडी का टैग हेड, इस हेड के नीचे शुरू होता है। आपने यूं लिखा, अभी अब यूं खोलना पड़ता है, देखो यूं लिखा, फिर बॉडी लिखी और यूं क्लोज किया, क्लोजिंग टैग। अब ये VS Code का फीचर है कि अगर आप लिखो ना बॉडी, टैग सही लिख रहे हो, इंटर मारो, ओपनिंग क्लोजिंग खुद आ जाता है। ये VS Code का फीचर है, आपने बॉडी लिखा, इंटर किया, अब ये सब हटा के सिर्फ HTML लिखूंगा ना, देखो HTML, इंटर, HTML का ओपनिंग क्लोजिंग खुद आ गया। हेड लिखा, हेड आ गया, इंटर किया, नीचे आ गया। अब इधर नीचे आओ, यहां लिखो बॉडी और इंटर, बॉडी आ गया। अब ये देख लो जरा HTML, यहां से देखो HTML बंद, HTML के दो बच्चे, HTML के अंदर पैक हो गए, ओपन किया, इसके दो बच्चे, एक हेड दूसरा बॉडी। बच्चे ये कर रहे होते हैं, जब फर्स्ट टाइम मैं बता देता हूं गलतियां, बच्चे इस बॉडी को पकड़ते हैं, हेडिंग लिखते जाते हैं, जज्बात में ये कर रहे होते हैं। अब ये इसकी बात होगी, आपके हेड के अंदर ही आपकी बॉडी डाल दी जाए, ठीक है। तो ये तो नहीं है, HTML के अंदर HTML है बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक HTML, ठीक है, उसके अंदर एक पार्ट हेड, यहां से ओपन, यहां से क्लोज, यहां से यहां। हमारा सबसे ज्यादा काम इस बॉडी के अंदर होगा, तकरीबन काम हेड के अंदर सिर्फ एक काम होगा, एक टैग बनाएंगे। अच्छा ये टैग है, अभी मैंने यहां कितने टैग्स लिखे? तीन, एक HTML टैग का नाम, एक दूसरा बॉडी, तीन टैग है। हर टैग के दो टैग बने हुए, ओपनिंग क्लोजिंग। HTML कहां क्लोज हुआ? यहां से ऊपर हुआ और नीचे जाके क्लोज। अच्छा अब उस HTML के जितने भी अंदर कुछ चीजें हैं वो सब उसके क्या है? बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड है। हेड के अंदर अभी कोई चाइल्ड है नहीं, हेड का एक चाइल्ड है, वो क्या है? अभी फिलहाल हमें वही पढ़ना है, टाइटल, टाइटल, टाइटल। अब यहां जो आप टाइटल दोगे होगी, मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट वेबसाइट,
सेव किया, सेव कर दिया इसको, यहां तो देखो इसकी जगह माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ जाएगा, आया आ गया, वो ऊपर आएगा क्योंकि वो वाला पार्ट हेड का है, तो हेड का पार्ट आ गया फर्स्ट वेबसाइट। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है, फर्स्ट वेबसाइट। अब बॉडी, बॉडी ये रही भाई इसके, अब कोई भी काम कर रहे हैं आपने बॉडी के अंदर करना है, ये मैंने ऐसे इतना गैप दिया आपको समझाने के लिए, ये रहा। अब आगे आप बेशक हेड को यहां रख के इसका हेड को बंद कर दो, हेड ये रहा, हेड का काम खत्म, बस अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये सब हटा दो यार, कुछ भी लिख रहे हो आप सेव करो, सारा का सारा ऐसे आएगा, समझ के बात। अब सिंपल सा एक काम करता हूं, HTML में जब भी कोई, अब देखो मैं एक बात बोलता हूं, कंप्यूटर ये लिखा नीचे आया, दिस इज माय कंप्यूटर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक, बस समझ जाओ भाई सारा लिख दिया मैंने कुछ ना कुछ, ठीक है, सेव किया, यहां आया, ये क्या हो गया भाई, मैं तो चाह रहा था एक हेडिंग हो गया और ये मैंने जूम किया हुआ, असल एक्चुअल साइज पता है कितना, इतना है, ये तो खराब है भाई, ना हेडिंग डल रही है कुछ। तो HTML क्या करता है, हमें कुछ हेडिंग सिस्टम देता है, क्या देता है, हाँ, कि आप बड़ी से बड़ी हेडिंग डालो, उससे छोटी हेडिंग लिख सकते हो, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी, ऐसे हेडिंग सिस्टम है। HTML में 6 हेडिंग सिस्टम है, कितने, 6 तक हेडिंग सिस्टम है, हर हेडिंग सिस्टम का टैग है, हेडिंग 1 का टैग कितने है, तो हेडिंग के कितने टैग हो गए हमारे पास, टोटल 6 टैग होंगे। एक टैग का नाम है सबसे बड़ी वाली का H1, H1 में कितने टैग बने हुए होंगे, 2, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखो जरा, H1 लिख के एंटर किया, अब ये कैपिटल में, आप कोशिश करोगे कैपिटल में भी चलता है ये, मैं बात समझा दूंगा, आप कोशिश करो इसको स्मॉल में लिखो, H1 एंटर मारा, देखो ये आ गया। अब देखो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, अच्छा इसको मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे करोगे तब भी चल जाएगा, इसके अंदर एक टाइटल लिखना है तो मैंने इसको ऐसे किया कि भाई यहां पर आ जाएगा एक लाइन में, ज्यादा काम है तो नेक्स्ट लाइनों में ले जाऊं, मैं बोलता हूं माय कंप्यूटर, सेव किया। अब जरा यहां देखो रिफ्रेश, क्या ये हेडिंग की फॉर्म में बना हुआ आ गया अब, ठीक है, माय कंप्यूटर H1 के अंदर। अब देखो इसके बाहर लिखने से और इसके इस टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में कुछ भी लिखूंगा मैं, तो उस पर इस H1 के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होंगी, इस H1 ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो भी लिखूंगा, ठीक है, वो उसी पर अप्लाई होगा जो इस टैग के दरमियान में है। मतलब ये क्या काम कर रहा है, एक टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, थोड़ा सा मोटा टाइप का दिखा रहा है और टेक्स्ट बड़ा करके दिखा रहा है, वही चीज दिखाई देगी जो इसके अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने H1 टैग ओपन कर दिया, मैं बोलूं यहां भी कुछ लिखूं तो, अब देखो यहां वाला कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल सा, ठीक है। अब ऐसे H1 के अंदर क्या होता है, मैं लिख देता हूं 6 हेडिंग सिस्टम है, हेडिंग 1 ये किया, अब इसको यहां से यूं कॉपी करता हूं और यहां जाके पेस्ट करता हूं, ठीक है, ये देखो दो बार लिखा तो हेडिंग वन अभी यही चल रहा है, इसको करता हूं 2, यहां भी लिख देता हूं 2, ये तो टेक्स्ट है, यहां मैं कुछ भी लिखूं, ऐसा नहीं कि यहां आप बोलो यहां भी हेडिंग 2, ये तो टेक्स्ट है समझाने के लिए मेरे, और ये इसको कर देता हूं H2, ये क्या हो जाएगी दूसरी हेडिंग, सबसे बड़ी H1 है उसके बाद H2 है, देखो अब फर्क देखा, बताए ऐसे 6 तक है, कॉपी करो, सॉरी 3 एंड 3, समझ गए बात, सेव किया इसको, कंट्रोल एस से सेव करना है आपने, फिर यहां आके रिफ्रेश करो F5 से ये वाला, तो ये चल जाएगा बेटा, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं नीचे करके, पे अब मैं कितनी जगह पे चेंज करना है, 4 करना है मैंने, तो क्या करूं, यहां और यहां H4 कर दूं तो ये चल जाएगी H4 में, अच्छा ऐसा नहीं है यहां 3 लिखा है, यहां देखो 4 करता हूं और यहां 4 करता हूं, अब क्या ये हेडिंग 4 आएगी, बीच में 3 लिखा हुआ, यहां आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, पक्की बात है आएगी, सोच लो भाई आएगी, लेकिन हेडिंग 4 में हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन इसका साइज 4 के हिसाब से ही है, देखो सबसे बड़ा नंबर 1 हेडिंग का साइज, नंबर 2 का नंबर, देखो ये वाली और ये इससे छोटा है ना, ये हेडिंग 4 ही है, लेकिन इसके दरमियान में टेक्स्ट, ये मैंने कहा टेक्स्ट है, यहां आप कुछ भी लिख दो, यहां आप लिख दो ना, ये भी ऐसे आएगा,
तो यहां ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। अच्छा अब एक चीज है, यहां मुझे बार बार ये ना कॉपी करना पड़ रहा है, कितना अजाब है। ये कॉपी किया मैंने बिलफर्स, या नीचे आया आप तीन जगह चेंज करना है तो पहले एक से मिटाओ, दूसरे से, फिर तीसरे से। इसके लिए एक आसान हल है, आप यहां कर्सर रखो, कितने कर्सर हैं। अच्छा ये याद रखना, ये इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसर्शन पॉइंट। मतलब इस ये वो इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्शन है जहां से आप टेक्स्ट इंटर करोगे, इंसर्ट करना है। देखो कुछ भी लिखूंगा यहां होगा, ऐसा नहीं है कि देखो ये वाला आई कहां पर है, आई तो यहां है, मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन टेक्स्ट यहां लिखा हुआ आ रहा है, आई पे नहीं। ये होता है कर्सर, ये होता है, इसको कहते हैं कर्सर, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, जहां पर ये जो पॉइंट ब्लिंक कर रही है ना, ये जो लाइन, ये इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, और ये होती है ये जो माउस है इसको बोलते हैं कर्सर। समझ गए बात? ठीक है। अब मैं इंसर्शन पॉइंट एट अ टाइम एक से ज्यादा लिख सकता हूं, कैसे? देखो मैंने यहां क्लिक किया, अभी कितने इंसर्शन पॉइंट है, एक। अल्ट दबाओ, अल्ट आपके कीबोर्ड में बटन होता है ALT, अल्ट यहां वाला, यहां आप अल्ट दबाओ और दोबारा दूसरी जगह जहां चाहिए वहां क्लिक करो, कितने इंसर्शन पॉइंट हो गए, दो। एक और जगह भी चेंज करना है, यहां क्लिक किया, अब आप एक साथ इन कुछ भी लिखोगे इन तीनों जगह पे लिखा हुआ आएगा, मिटाओगे तो तीनों जगह से मिटेगा। देखो बैक स्पेस मारू, तीनों जगह से 3 मिट गया, इसकी जगह 4 लिखो, तीनों जगह पे 4 आ गया, एक क्लिक के अंदर 4 तीनों जगह 4 आ गया। जब एक जैसी चीज आपने 10 जगह पे भी इंसर्ट करनी है, आप सब पे इंसर्शन पॉइंट लगाओ, एक दफा लिखो सब पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे 50 नाम है, सबके आगे मिस्टर लिखना है आपने, तो मुश्किल है, आप क्लिक करो सबके आगे एक साथ और एक दफा मिस्टर लिखो सबके आगे आ जाएगा, क्लिक सबको करना। इसका मतलब अब ये आप सबके आगे वन बाय वन क्लिक करो मिस्टर लिखो, फिर क्लिक करो मिस्टर लिखो, इससे अच्छा है अल्ट से सेलेक्ट करते जाओ और ये लिख दो। तो मुझे अब ये हो गई 4, अब एक काम करता हूं कॉपी 5 के लिए और 6 के लिए। अब ये 1 2 3 4, अब यहां आता हूं 5, साइज 5 हो गया, और ये साइज क्या है 6। अच्छा ये खत्म कैसे होगा पॉइंट, या तीन तो आ तो गए, आप खत्म कैसे होंगे, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहे भाई, आप 6 है ना, यहां तक करो, कहीं पर भी साइड पे क्लिक करो, सिंगल हो जाएगा वो खत्म। ठीक है, सेव करो। आप देखो जरा हेडिंग सिस्टम कैसा जबरदस्त है, सबसे छोटी हेडिंग हेडिंग 6, उससे बड़ी हेडिंग 5, हेडिंग 4, हेडिंग 3 2 1। ऐसे तो नहीं होता 3 2 1 से क्या होता है, 3 2 1 तो पिल्ले होता है जी। अल्ट से जहां आप क्लिक करोगे उतने इंसर्शन पॉइंट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। माउस बेटा माउस, ये देखो ना ये कर्सर है, एक यहां पर है, देखो यहां क्लिक किया यहां आ गया, अल्ट दबाओ कहां चाहिए वहां क्लिक कर दो, दो हो गए, जहां चाहिए वहां क्लिक कर दो जी। बेटा चिश्ते वाला खैर दे, हाँ भाई यहां पर आपने 1 2 जितने कर्सर चाहिए, खाली क्लिक करोगे नहीं आ रहा, देखो खाली क्लिक करने पे नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, यहां एक क्लिक करना है, अल्ट दबाया, दूसरा यहां क्लिक करना है, तीसरा ये यहां माउस लाके क्लिक करना है। आपको और चाहिए यहां, यहां भी क्लिक करो, जहां चाहिए वहां क्लिक करो, 50 चाहिए 50 भर दो इसको। अब बैक स्पेस मारो, सब जगह से एक साथ दबा। अच्छा कंट्रोल जेड करो वापिस आ जाएगा, अनडू, कंट्रोल जेड अनडू, कंट्रोल वाई रीडू। मतलब आपने एक काम किया, ये देखो जरा मैंने लिखा एप्पल, अरे नहीं लिखना था एप्पल, कंट्रोल जेड दोबारा पीछे चला गया, अबे सही तो लिखा था एप्पल ही तो था, अच्छा अब क्या करूं दोबारा से एप्पल लिखूं, नहीं कंट्रोल वाई रीडू। हाँ ये किया आपने कंट्रोल जेड हट गया, आपने कुछ और लिखा, अब मैंने कहा कंट्रोल जेड अब वो नहीं आएगा, अब आप दोबारा ये करोगे नहीं आएगा, कंट्रोल वाई वाई मारोगे अब यही आएगा। तो रीडू में आपने एक दफा जो चीज मिटाई, दोबारा कंट्रोल वाई करोगे कुछ लिखने से पहले तो वो दोबारा आ जाएगा। तो अनडू और रीडू, अनडू का मतलब देखो एक पहला स्टेप होता है डू, ये करो आपने ये काम किया, अनडू का मतलब अबे भाई ये नहीं चाहिए वापस एक स्टेप पीछे, वापस स्टेप पीछे लिया, अब बोल रहे अरे भाई वो ठीक था रीडू फिर से करो, तो कंट्रोल वाई दोबारा से वहीं आ जाएगा। ठीक है बात समझ गए, एनी प्रॉब्लम, गुड हो गया शहजादो, जो समझते हैं। अच्छा मुझे बता दिया करो जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग ऑन करनी है मैंने, ठीक है, क्योंकि हर चीज इसमें रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको आया। देखो बच्चे ने सवाल किया सर मैंने 6 तक आपने किया बेहतरीन हो गया, हमें ये बात समझ आ गई 6 तक, मैं 7 लिखना चाहता हूं। बेटा आप 7 में ऐसे लिखो, देखो आप देखना हेडिंग 7 सेव किया,
रिफ्रेश किया, हेडिंग 7 ऐसे आ रही है, ये तो बड़ी आ गए, नहीं ये एक्चुअल है, ये आप इसमें लिखो या फिर हेडिंग 7 करके ऐसे बना दो, इसको कंट्रोल एक्स कट किया यहां लाके पेस्ट किया, इसके अंदर लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये बेकार है, इसका मतलब ये हेडिंग है ही नहीं, बस 6 हेडिंग सिस्टम है, समझ गए बात, खुद करो ना, अभी मैं थोड़ी दिखाऊंगा, ये खाली है फाइल, ठीक है बेटा। आते हैं, बड़ा सिंपल सा काम था, हमने आपको कहा एक हेड होता है, एक HTML है पूरा, मतलब इंसान, उसके दो पार्ट हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर सिर्फ टाइटल होता है, मतलब मेरे दिमाग में क्या होगा, टाइटल, किसी ने बोला बिलाल, मैं देखूंगा एकदम मूव करके, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा टाइटल क्या है, बिलाल है, ऐसा ही है, ठीक है। यासिर एक बच्चे का टाइटल है, कौन है यासिर, तुम हो ना, हाँ यासिर एक टाइटल है, उमर एक बच्चे का टाइटल है, ऐसा ही है, निजाम एक बच्चे का टाइटल है, हाँ भाई उमेर, ऐसा ही है, उमेर एक बच्चे का टाइटल है, जैसे ही नाम लूंगा सारे देखना शुरू जाएंगे उस बच्चे की तरफ, या उस बच्चे को क्या फोकस होगा गैन, क्यों, क्योंकि उसका टाइटल है। अब नेक्स्ट लेवल की चीज आती है जो क्या है, बॉडी, क्या है, बॉडी, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं भाई, ठीक है, आपके नेल्स हैं, आपका हैंड है, ये समझ लो हर एक टैग है अलग अलग, आंखें अलग टैग है, नाक अलग टैग है, माउथ अलग टैग है, टीथ अलग टैग है, ये सब टैग्स हैं अलग अलग, ठीक है। नेस्टेड भी होता है, नेस्टेड मतलब नाखून कहां पर है, हाथ में, हाथ में नाखून कहां है, उंगलियों में, ये नेस्टेड है, मतलब टैग के अंदर भी टैग, टैग के अंदर भी टैग हो सकता है। इसी तरीके से जैसे माउथ, ये मुंह मेरा क्या है, एक टैग है जो कि बॉडी के अंदर है बिल्फर, इसके अंदर और टैग हो सकते हैं, समझ रहे बात, इसी तरीके से मुख्तलिफ पार्ट आ सकते हैं। तो यहां जो अगर मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको ना, वो भी ऐसे ही है। कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ, बड़ा सिंपल है, हेडिंग्स लिखी है प्रॉपर, लेकिन उन्होंने लिखी है हेड के अंदर, गलत हो गया, ठीक है, 6 के 6 हेडिंग हेड में लिखी है। कुछ ने हेडिंग को नेस्टेड लिखा है, अब ये नेस्टेड क्या है, मतलब एक हेडिंग डाली H1, अब ऐसे बताता हूं, देखो HTML के कितने बच्चे हैं, दो, कौन कौन, हेड एंड बॉडी। अब एक बात बताओ, हेड और बॉडी आपस में क्या लगते हैं, बहन भाई, भाई भाई, कुछ भी, सिबलिंग्स, सिबलिंग लगते हैं, क्या लगते हैं, सिबलिंग्स, इसको हम बोलते हैं ये सिबलिंग्स है, ये भाई भाई बहन या बहन भाई, जो भी आप बोलो, भाई भाई बोलो, तो ये दोनों भाई भाई हैं, क्यों, क्योंकि इनका पेरेंट एक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये दोनों इसके अंदर है, ठीक है। अब ये जो H1 से H6 तक हेडिंग्स हैं, H1 बच्चों ने लिखा है H1, यहां लिख दिया हेडिंग 1, अब आ चाहिए तो ये था कि वो आते नीचे H2, क्योंकि H1 और H2 भाई भाई हैं, उन्होंने क्या किया, H2 यहां लिख दिया। अब इससे हुआ क्या कि ये H2 H1 का चाइल्ड हो गया, H1 इसका पेरेंट हो गया, हालांकि गलत है, अब H2 अप्लाई करें, H1 अप्लाई करें, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड गलत है, आपने ऐसे नहीं लिखना इसको, ये हेडिंग 1 सिंपल था। अच्छा अब दोबारा से लिखता हूं, HTML आपने लिखा, HTML के दो बच्चे हैं, एक है हेड शुरू में, दूसरा है बॉडी, बॉडी पर आ गए आप, ये बॉडी, हेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल आता है, TITLE टाइटल, टाइटल डॉक्यूमेंट के जो ऊपर लिखा हुआ था, बच्चों ने क्या किया, टाइटल में भी कुछ बच्चों ने हेडिंग लिख दी है, उन्होंने ऐसे लिखा H1 दिस इज टाइटल, सेव किया, वहां जाके देखते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लेंडर मारे हुए, अच्छा ये तो मैंने रिमूव ही कर दिया, खैर ये आ गया, ये रहा, अब वो क्या है, टैग भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये ब्लेंडर है, आपने यहां नहीं लिखना टाइटल, ये हो गया, अभी फिलहाल सिर्फ यहां सिर्फ टाइटल तक का काम है। किस किस को ये बात समझ आ गई है, ठीक है, गुड, शाबाश बेटा, यहां किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब आता हूं यहां कि देखो H1 ये ना हेडिंग का पार्ट है, यहां पर आपने लिखना है H1 ऐसे करके, अब इसमें आप जो भी काम करोगे ये इसके अंदर अप्लाई होगा, अब H2 चाहिए वो इसके नीचे से शुरू करो, दूसरा टैग नेस्टेड भी होगा, ऐसा नहीं है, देखो अच्छा एक बात बताओ, H1 H2 आपस में क्या लगता है, H1 और H2 वही भाई भाई हैं, ये भी, क्योंकि ये दोनों किसके बच्चे, बॉडी के, बॉडी इन दोनों का क्या है, पेरेंट है, HTML इन दोनों का क्या है, दादा, पेरेंट का भी पेरेंट, अब्बा का अब्बा, ठीक है, ऐसा हो गया ना, ये इसका पेरेंट, इनके पेरेंट और ये इसका पेरेंट, तो ये इनका डायरेक्ट दादाजी हो गया,
दादाजी के, ठीक है। अब इस तरीके से ये लॉन्ग रूप तुम्हें चेंज चल सकती है आगे जाके, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो आपका काम सिंपल है, सिंपल ये बोला था, हेडिंग लिखनी थी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने, मेजोरिटी ने ये काम बड़ा सिंपल लिखा है। कॉपी करो, 6 दफा चाहिए, ठीक है। ये 1 2 कितनी दफा हो गया भाई ये? अब देखो मैं एक काम करता हूँ, 3 जगह ना ऐसे क्लिक किया, 2 25 क्यों हो गया भाई, 2 बार दब गया, 2 नीचे करता हूं, देखो एग्जैक्ट लोकेशन पर आया क्योंकि मैंने एक जैसा साइज लिखा है, 3 4 5 6 हो गया। अब ये एक्स्ट्रा, इसको यहां से सिलेक्ट किया और कर दिया डिलीट। समझ गई ये वाली बात, क्लियर है? ठीक है। हर हेडिंग के नीचे, हेडिंग डालने के बाद क्या लिखते हैं? पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। आओ यहां पे हम भी लिखते हैं हर हेडिंग के लिए। तो अभी अच्छा एक और बात, 6 हेडिंगें लिख दी, कहानी खत्म। सर अगर किसी वेबसाइट में मुझे 10 हेडिंग डालनी है तो क्या करूंगा? यहां तो 6 ही हेडिंग है। अबे भाई 6 साइज की हेडिंग है, मतलब एक सूट है जिसमें 6 किस्म के साइजेस आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 ही साइज है तो बस ये 6 ही है, हर साइज के अंदर हजारों कलर्स और हजारों वेराइटीज हो सकती हैं, समझे बात इस तरीके से। तो ये एक हेडिंग को आप 10 बार यूज कर सकते हो। आपको देखो पहला है आपने लिखा यही हेडिंग, इसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो, H1 को, हेडिंग 1 नहीं। मैं यहां पर आप कुछ काम दूंगा, बिल फर्स्ट एक लेता हूं, हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरी हेडिंग है H2 व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हेडिंग 2 ही नहीं, मैं जरूरी नहीं है मैं इसको हेडिंग 1 में लिखूंगा तो अब कौन सी हेडिंग चलेगी, ऊपर वाली नीचे वाली? दोनों चलेंगे भाई, दोनों का अलग काम है, मतलब एक साइज में लिखी हुई है 2 हेडिंग है। इसका काम कब क्यों होता है? सर मल्टीपल हायरार्की के तौर पे, हायरार्की क्या? हायरार्की का मतलब होता है एक फॉर्मेट चल रहा होता है बुक के अंदर, देखो बड़ी हेडिंग, सब हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, बुलेट पॉइंट, इन कामों के लिए ये हेडिंग्स यूज हो रही होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग लिखी है आपने, उसके नीचे थोड़ा सा काम, फिर छोटी हेडिंग, फिर छोटी हेडिंग, फिर छोटी हेडिंग, समझ आ गई बात? ये अब इसके अंदर आपने कुछ पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए एक टैग है। अब ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो यहां भी आप कुछ लिखोगे, कुछ भी सेव किया आपने, ये यहां पर आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ये, अब ये वाला टेक्स्ट क्या है, ये कौन सा टेक्स्ट है, ये किसी टैग में रैप हुआ है? नहीं, ये लावारिस टैग्स है। कौन सा टैग्स है? हमने हर टैग को वारिस बनाना है, लावारिस नहीं छोड़ना। इसके लिए यहां हम एक काम करेंगे, पी का टैग है, पी P4 पकाऊ भी होता है लेकिन पैराग्राफ है यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे सिंपल पैराग्राफ लिखेंगे जो आपका दिल करे। अब रैंडमली मुझे याद ही नहीं रहता क्या पैराग्राफ लिखना है भाई, अब मैं सोचता हूं यार क्या लिखूं, आधा टाइम मेरा यहीं गुजर जाएगा, इसलिए आपको एक रैंडम पैराग्राफ देखने को मिलता है। आप देखो इस पैराग्राफ को मैंने ऐसे क्यों लिखा, कोई पूछ सकता है सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसको ऐसे नीचे क्यों किया, क्योंकि पैराग्राफ है ज्यादा बड़ा हो सकता है तो ज्यादा लाइनें चाहिए इसको, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप चाहो बेशक ऐसे लिख दो, तो आप यहां पर इसको पैराग्राफ को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो एक टैग बना के यहीं पर लिख दो बेशक, तब भी ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, 2 लाइनें भी ले। अब यहां आपने पैराग्राफ लिखना है, रैंडम आपने कोई पैराग्राफ लिखना है ना, उसके लिए एक वर्ड है LOREM, लॉरेम, क्या है? लॉरेम लिख के एंटर करो, बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसके मतलब पे नहीं जाना, पता नहीं क्या लॉरेम, इप्सन, डॉलर, सिट, एमिट, पता नहीं, ठक ठक ठक, ठीक है। ये रैंडम पैराग्राफ है। अब ये क्यों लिखेंगे सर हम किसी की वेबसाइट में? भाई एक बंदे ने बोला मेरी वेबसाइट बनाओ, आपने कहा क्या क्या उसमें, उन्होंने कहा एक हेडिंग होगी, ये होगा। अब आप उससे हेडिंग मांगो, बोले यार देता हूं, अब रैंडमली क्या लिखोगे? तो वहां बाय डिफॉल्ट आप पैराग्राफ, जब बाद में वो टेक्स्ट देगा ना तो आप ये टेक्स्ट हटा के वो जो टेक्स्ट देगा वो लिख दोगे यहां पे, समझ गए बात? तो ये रैंडमली ला। अब ये कितना लिखा जा सकता है? उसने कहा यार 20 वर्ड का हो, अब आप गिनोगे 1 2 3 नहीं, बहुत तेज है ये, ये बोलता है कितने चाहिए, LOREM, लॉरेम, लॉरेम लिखने के बाद जितने लफ्ज चाहिए उतने लिखो। आप बोलो 3 लफ्ज, इंटर, कितने वर्ड आए, 3 वर्ड आ गए, ठीक है। या आओ आप लिखो 10, तो कितने वर्ड आ गए, लस वर्ड आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहां आ जाओ आप लिखो 20, अब 20 को क्या बोलते हैं पटानी में, शल, तो ये शल आ गए, ठीक है, ये शल आ गए। अब इससे आगे भी हो सकता है लेकिन आगे मुझे पठानी में आता नहीं है तो उर्दू में बोलेंगे हम इसको, 50 हो गए। इसको छोड़ो कर दूं,
बेचारा थक गया, अब यहां आओ रिफ्रेश। क्या कहानी छापी है इसने, लो भाई कितना नहीं लिख देना भाई, पता चले यहां बच्चे 15 दबा और 0000 लिख के इंटर मारे सिस्टम हैंग हो जाए। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, 200-400-500 वर्ड भी आप लिखो बहुत है। आप ये देखो इसके साथ लिखना है 50-60-40-40 लिखा, एंटर किया, आ गया, सेव करो, इधर आओ देखो ये फॉर, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई, किस किस को समझ आ गई? जी क्या, हाँ क्या है बताओ? नहीं, यहां पर लॉरेम है, इस तरीके से अगर आते हैं ना वर्ड पे आ जाओ, विन वर्ड, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक जाती होता। अच्छा ये लॉरेम यहां चल रहा है, ये वीएस कोड का अपना फीचर है, ठीक है लॉरेम। अब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको जाके नॉर्मल टेक्स्ट में लिखोगे वहां चल जाएगा, या किसी और में कोई सबलिम टेक्स्ट वगैरह में यूज करें वहां चल जाएगा, नहीं, ये इसका अपना है वीएस कोड का, ठीक है। वीएस कोड ने ये फीचर ऐड किया, किसी और ने कोई और पैराग्राफ किया। अब जैसे वर्ड के अंदर हमें नॉर्मल अगर पैराग्राफ चाहिए होता, आई थिंक ये एक्सपायर हुआ है, ये लिखने कुछ नहीं देगा, याद है वो मैंने अभी बताया था, ये देखो इसको यूज नहीं कर सकता मैं। यहां लिखना हो तो यहां इज इक्वल्स टू रैंडम का वर्ड आता है रैंड, आगे आप जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए वो लिख के एंटर करो, उतने पैराग्राफ क्रिएट कर, तो रैंडम चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, जितने वर्ड आप रैंडम दोगे 50 और एंटर कर दो, तो यहां पर ये चीज आ जाएगी, समझ आ गई बात। तो रैंडम है जस्ट सिंपल, और यहां पर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट किसी भी बहुत सारी जगहों पर आप तो ना एक हेडिंग डाली हुई है डेमो के तौर पे, वहां हेडिंग पे नाम पता है क्या लिखा होगा, लॉरेम इप्सम, लॉरेम ये लॉरेम करके ज्यादा वर्ड है लॉरेम इप्सम, और ये पूरा क्योंकि वहां यही पैराग्राफ यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से रैंडम पैराग्राफ्स के लिए ये यूज हो रहा होता है लॉरेम इप्सम, सबको बात समझ आएगी। आप देखो एक है ना बिलफर्दा, मैंने इसके लिए लिखना, मैंने कहा लॉरेम और 100 वर्ड्स लिख देता हूँ, इंटर 100 आ गया, कंट्रोल दबाओ, देखो जूम आउट हुआ छोटा सा, यहाँ देख सकता हूँ ये रहा। अब पैराग्राफ सर ये तो बहुत लंबा है, आप पैराग्राफ इसके नीचे ये आ गया, पैराग्राफ को डबल करता हूँ, एक काम करता हूँ इंटर करता हूँ, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास इसका पूरा पैराग्राफ आ गया, इसको मैंने यहाँ ओपनिंग क्लोज कर दिया, ठीक है दो लाइनों में ऐसे क्लोज कर दिया, ओपन करूंगा आ गया क्लोज कर दिया। अब इसी पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, सेम इसके नीचे भी लिख देता हूँ। अच्छा ये मत सोचना आप इंटर ज्यादा दबा के लिखोगे तो वहां भी गैप आएगा, वहां गैप नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ कोड बढ़ेगा बस, यहाँ पेस्ट करो यहाँ पे भी आ गया एक पैराग्राफ, ये रहा, ठीक है। तो एक लाइन में लिखने का और दो लाइनों में इसको इंटर दबा के लिखने का फायदा ये होता है कि इस तरीके से टैग आ जाते हैं, आप लाइन को बंद कर सकते हो, तो आसानी हो गई, काम किया इसके अंदर, पैक किया। अब देखो दो हेडिंग है, अब ये देखो आ गई जबरदस्त सी हेडिंग। अब बिलफर्ज इसके अंदर कोई और छोटी हेडिंग डालनी है आपने, उसके लिए आप क्या करते हो, सब हेडिंग्स का यूज कर रहे होते हैं। बिलफर्ज ये लिखा इसके अंदर, यहां से आता हूं इंटर किया, यहां पे मुझे कोई छोटी सब हेडिंग डालनी है, आप यहाँ H3 H4 जो डूलना डालना चाहो आप लिख दो H3, एंटर किया यहां लिख दो बिलफर लिख देता हार्डवेयर, अब आओ हार्डवेयर, देखा वो बड़ी हेडिंग उसके नीचे ये छोटा पार्ट, समझ आ गया कि ये इसी का पार्ट है, समझ आई, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है गुड, किसी को कोई मसला है समझ नहीं आया फिर भी पूछ लो, फिर मैं बताता हूँ, मतलब समझाता हूँ, समझ रहे हो गुड। अब आगे चलते हैं भाई, एक चीज ने तंग किया हुआ है मुझे, किसने किसने तंग किया हुआ है, जो भी लिखता हूं यहां जाके रिफ्रेश करना पड़ता है, बहुत तंग हो गया हूं उससे, इसको बोलो टाटा बाय बाय, आप इसको बंद कर दो, बस लिखते जाओ छोड़ो देखो ही नहीं वहां जाके। अब इसके लिए क्या होता है, मुझे यहां जाना पड़ता है बार बार और इसको जाके फाइल को ओपन करता हूं, असल में पता है क्या कर रहा हूं मैं, रिफ्रेश करने का मतलब होता है बार बार यहां जाता हूं इसको ओपन करता हूं फिर क्लोज करता हूं बार बार ओपन, इससे मुश्किल काम है ये, ज्यादा मुश्किल है, तो इससे अच्छा F5 दबाता हूं रीलोड होता है वो आसान है, लेकिन इससे भी आसान काम है VS Code अपने साथ कुछ extensions देती है, क्या देती है extension का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे गूगल क्रोम भी आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है जो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सटेंशन में ये क्या देता है, यहां आओ देखो बहुत सारी फाइल है, फाइल है, सर्च है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ये भी इसको याद करते हैं, अभी जो चीज समझनी की उसको सिर्फ हम देखेंगे फिलहाल, ये तो फाइल वाला काम देखा हमने, देखो यहां फाइल आती है गायब हो जाती है, यहां आते हैं एक्सटेंशंस लिखा है, आप इस एक्सटेंशन पे आओगे, यहां आप सर्च करो लाइव सर्वर, अभी नहीं करना
सिर्फ यहाँ फोकस करना है, ये आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तकरीबन, जिसके पास नहीं है वो लाइव सर्वर पे क्लिक करो, देखो इंस्टॉल हुआ है मेरे पास, अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है इसका मतलब पहले से इंस्टॉल है, और ये डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है मतलब इनेबल भी हुआ है, ऑप्शन खुला हुआ है, ये बंद करता हूँ ये करता हूँ। अब देखो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ब्राउजर ऑन किया हुआ है, मैंने वो फोल्डर तक बंद कर दिया, मेरे पास सिर्फ क्या ऑन है रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन और ये, यहां पर आता हूं मैं इसको ही बंद, यहां देखो यहां नीचे देखो क्या लिखा हुआ है गो लाइव, या राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, यहां से गो लाइव का ऑप्शन देते कहां यार ये रहा ओपन विद लाइव सर्वर, ये कर सकते हो या फिर कर दो गो लाइव, क्लिक करो अब देखो जरा स्टार्टिंग कर रहा है सर्वर, पोर्ट पे चल गया, ये वही सर्वर ऑन हो गया ये। अब मजे की चीज देखो, यहां आओ और आप कोई चीज चेंज करो, H3 दिस इज न्यू, खुद ब खुद आ गया आपको रिफ, बस वहां सेव करना है, कंट्रोल एस मारना है, इससे भी जान छुड़ा सकते हो, उसके लिए क्या है फाइल पे जाओ, ऑटो सेव का ऑप्शन है इसको ऑन कर दो, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सेव कर देता है, अभी सेव कर लो मर्जी है, नहीं भी करो तो भी मर्जी है, कोई इशू नहीं, कंट्रोल एस मारने की प्रैक्टिस रख लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल एस आपको याद नहीं रहता, तो आप प्रैक्टिस में रखेगा तो आप कहीं पर भी जाओगे तो कंट्रोल एस दबा दोगे फाइल सेव करने की, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ऐसे आप हेडिंग यूज कर सकते हो। अब हमने कितने टैग देखे, HTML, हेड, हेड के अंदर टाइटल, बॉडी, बॉडी के अंदर 6 टैग हेडिंग्स के, H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसके बाद पैराग्राफ का टैग देख लिया, बहुत तेज हो गए हो, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा अब आप ना कभी आओ यहां आते हैं और लिखा देते हैं विकिपीडिया पर, मतलब मेरा ये था विकिपीडिया पर आओ, आप क्या समझे बच्चे बहुत तेज हैं, ऐसा तो नहीं लगता मीम्स देख के आया हुआ होता हूं, यहां पर आओ, ये देख रहे हो ये एक लाइन है बड़ी शो वाली, ये लाइन दिख रही है, ऐसे अक्सर हेडिंग डली हुई होती है उसके नीचे एक शो वाली लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है शो वाली, हम भी ले आते हैं भाई शो मारते हैं उस लाइन से, ये रहा मैं चाहता हूं इस हेडिंग के नीचे एक लाइन है, उसके लिए आपने एक टैग होता है HR, HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसे HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन, HR हॉरिजेंटल के होता है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल पता है क्या होता है भाई, वो मैथ के अंदर होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये वाला एक्सिस होता है और ये एक ये वाला एक्सिस होता है, ऐसे लेटी हुई लाइन ये ऐसे खड़ी हुई लाइन, तो ये लेटी हुई लाइन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन है कि HR लिखो और एंटर मार दो, चल भाई ये HR लिखा आपने सेव करो और यहां आ जाओ लाइन आ गई, लेकिन एक मसला कोई सवाल पूछे इसमें क्या गड़बड़िया है, हाँ ई में क्लोजिंग टैग नया ना आया ये बच्चा बोल रहा है, और क्या स्पेस है, वो तो आंसर दे दिया ना, मैं तो अभी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूं, हाँ भाई इसमें क्या नहीं आया HR, अब सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं आप ही बता दो, तो ओपनिंग ऐसे टैग बने हुए क्यों है, खुद ब खुद टैग बंद हो गया, नहीं ये टैग है क्यों, बंद वाले ही बना लेते तो क्या मसला था, अगर इसको ऐसे बना लेते, देखो इस टैग को ऐसे बना देते तो क्या मसला था भैया, ई को ऐसे बनाने में क्या मसला था, बच्चे ने बहुत आला बात की है, आपके सर के ऊपर से गई होगी, हम समझाते हैं, शाबाश दानियाल वेरी गुड, इसने आंसर दे दिया, कोई समझा है इसका आंसर, मैं समझाता हूं, सब रिमूव कर दूं सारा कुछ, H1 लिख दिया सेव किया, यार कुछ दिख नहीं रहा क्या गड़बड़ है, चल नहीं रहा ये क्यों नहीं दिख रहा, अंदर कुछ लिखेंगे तो नजर आएगा, चलो ठीक है ये लिख दिया H1 जबरदस्त, चलो भाई लिखा कुछ यार ये H1 में नहीं आ रहा, हेडिंग में नजर नहीं आ रहा, टैग के अंदर लिखूंगा तो ही नजर आएगा है ना, ये वो टैग है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट, इसलिए क्योंकि इसके बीच में कुछ लिखना है, सेल्फ क्लोजिंग के बीच में कुछ लिखना नहीं है, वो खुद ही कुछ आउटपुट दिखाएगा, देखो HR मारा इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खुद ही कुछ रिजल्ट दिखाएगा, लाइन दिखा दी,
इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, खुद क्लोज हो गया, रिजल्ट भी खुद दिखा देगा। समझ गए बात? इसके दरमियान में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाते हैं, यानी कि ऐसे टैग जो खुद बंद भी हो जाए, एक बात। दूसरी बात, वो क्यों बंद कर रहे हैं भाई, उनके लिए ओपनिंग टैग क्यों नहीं बनाया क्लोजिंग? वजह यह है कि उन्होंने खुद ही कुछ आउटपुट दिखाना है। जब उन्होंने खुद ही कुछ आउटपुट दिखाना है, तो अब ऐसे सर कितने टैग हैं? बहुत हैं भाई, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और टैग इतने हैं कि बहुत है, HTML में कोई 250-300 टैग होंगे, सारे आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ लगाना सीखना है टैग, ठीक है। जब आपको एक टैग लगाना आ गया, 10-15-20-25 में हमने प्रैक्टिस करा दी, फिर कोई भी नया, मैं बोलूं बेटा ये नया टैग है, कोई मसला नहीं, आप इंटर मारो, आपको पता चल जाएगा। खास यही दो ही किस्म के मेजर टैग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग और जो वॉइड। अच्छा, वो जो दूसरे वाले टैग है उनको क्या बोलते हैं? वॉइड टैग, VOID, ठीक है। जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है उसको बोलते हैं वॉइड टैग। झूठ तो नहीं बोला मैंने, ऐसा तो नहीं लग रहा? हम इसको पॉज करते हैं जरा, लाइट चली गई है भाई, आप थोड़ी देर चाय पी के भाई ये वाली चीज भी नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया। एक, अपनी जो गूगल की आईडी बनाओगे उसमें नाम आपका अपना होना चाहिए, प्रिंस उमर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्चुअल नाम होना चाहिए जो आपका एक्चुअल नाम होता है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते हैं, आपने वो उल्टे सीधे नाम नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखना है, जो असल नाम है जिससे आप जाने जाते हो। दूसरा ये कि अपनी एक शाहरुख खान वाली फोटो लगानी है, क्या कहते हो दानिश? सही है, ऐसे डॉक्टर वाले लिबास में ही लगा देना, मुझे समझ आएगा डॉक्टर दानिश, ठीक है। तो ये आप लाजमी लगा दें ताकि मैं देख लूंगा गूगल के अकाउंट पे। उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम उसको ज्वाइनिंग कराएंगे, क्लास के अंदर बुक शेयर करूंगा, कुछ चीजें हैं वो, अभी आप सर बेसिक प्रैक्टिस रखो, ठीक। अभी आते हैं यहां पर, टाइटल भी देख लिया, ये भी देख लिया, एक और भी टैग है वो भी देखें यार, ये एक तो ना कीबोर्ड थक चुका है बेचारा। हाँ, एक और टैग है BR, सबर। अच्छा, एक ये भी एक गड़बड़िया है ना, एक बच्चा कह रहा था सर BR लिख के एंटर मारा, इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं ये वाला टैग बनाता हूं, या बिलफर्ज H1 को ही ले लेते हैं, अगर मैं ये H1 लेता हूं और एक ये वाला H1 लेता हूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ भाई? इसके अंदर कुछ भी स्मॉल में भी लिखूंगा तो वो किस में आएगा? स्मॉल में आएगा। इसमें कुछ स्मॉल में लिखूंगा वो कैपिटल में आएगा, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है भाई। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों में रिजल्ट एक जैसा आएगा। सर हम कौन सा यूज करें? आप स्मॉल वाला यूज करो, ये कहलाता है केस की बात है। ये किसकी बात है? केस की। केस बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है। ये है केस सेंसिटिव की बात। किसकी बात? HTML, बोलो HTML केस सेंसिटिव नहीं है। ये मजबूत आदमी है, बड़े दिल का आदमी, आप स्मॉल में लिखो तब भी चला देगा, कैपिटल में लिखो तब भी चला देगा, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती है, मतलब ये कि वहां जो वर्ड स्मॉल में लिखा है वो आपने कैपिटल में लिखा नहीं चलने वाला, जो कैपिटल में लिखा है उसको स्मॉल में लिख दिया नहीं चलने वाला। लेकिन HTML एक टैग की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसको जब आप स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे ये चल जाता है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। जो सेंसिटिव होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, समझ गए बात? तो ये लैंग्वेज हमारे पास केस सेंसिटिव में नहीं आती है HTML, तो आपके समझ। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होता है कि तकरीबन हर लैंग्वेज की कोडिंग आप स्मॉल में लिखते हैं, तो आप इसको किस में लिखें? स्मॉल में लिखें। जब आप H1 और ये आप देखोगे ना, कभी भी बड़े प्रोग्रामर्स की कोडिंग निकालोगे सब स्मॉल में दिखेगा, वो कैपिटल में नहीं दिखेगा। और जो बंदा कैपिटल में लिख रहा हो ना, समझ जाइए अभी नल्ला है, अभी स्टार्ट किया है इसने, ठीक है, समझ गए बात? तो अभी उसने स्टार्ट किया, वो इस तरीके से अभी लिख रहा है। अब यहां आ गए आप, इस हेडिंग में आपने लिखा लॉरेम, हमें हेडिंग चाहिए, नाम याद नहीं आ रहा क्या लिखे, लॉरेम लिख के 3 दफा एंटर किया, 3 लॉरेम वर्ड आ गए ऐसे। अब मैंने एक टैग बोला, यहां आता हूं इसको हटा के मैं लिखता हूं BR, जैसे HR था, ये कौन सा टैग है? ये BR कौन सा टैग है? टैग की टाइप बताओ ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये क्या करेगा? खुद ब खुद जो सेल्फ क्लोजिंग की डेफिनेशन है वो पूछ रहे हैं, हम जर्नल डेफिनेशन पे चल रहे हैं फिलहाल। BR क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ये क्या करेगा?
खुद ब खुद कुछ रिजल्ट देगा। आप सेव करते हैं नॉर्मली, जिनको पता है गुड है। वैसे आम जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ये चीज पढ़ी नहीं है, वो ये बताएं कि इसने क्या दिया है, इस टैग ने कुछ दिया है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो ये कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग है? अब इसके अंदर कुछ लिखूं क्या? ये क्या ऐसा काम कर रहा है जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है? एचआर तो एचआर लिखा, एंटर मारा, दिख गया। ये बीआर कुछ नहीं कर रहा। बच्चे ने नाम लिया था, क्या किसने नाम लिया था? आपने लिया था। क्या वर्ड है ये? क्या है वो? तो है। अब इस टैग का नाम बताओ ना। लाइन ब्रेक। ये क्या करती है? लाइन ब्रेक करने का काम करती है। मतलब आपने इधर देखो, यहां लिखा, बिना उसके लिख रहा हूं लॉरम, लॉरम फाइव वर्ड्स, एंटर। आप यहां एंटर किया, आपने कहा लॉरम फाइव वर्ड्स, नई लाइन में आएगा। ये दोनों तो साथ में लाके आ गए भाई, ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए। ठीक है, इनके दरमियान में डाल दो बी आर, बी आर का टैग, और यहां अब जितनी बी आर और बी आर बढ़ाते जाओ। अरे यार बी बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, समझ गए बात? जितने बी आर लगाते जाओगे बढ़ गया। अभी कितने टैग पढ़ लिए भाई? एच टी एम एल, उसके दो बच्चे। कहानी बच्चों से शुरू होगी ना, होता ना एक राजा था उसके दो बच्चे थे ऐसे। एच टी एम एल एक था उसके दो बच्चे थे, हेड और बॉडी। हेड की शादी हुई, हेड का एक बच्चा है टाइटल। बॉडी की शादी हुई, बॉडी के बहुत सारे बच्चे हैं भाई, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, ये सारे जुड़वाए। ठीक है, इसके बाद कौन सा बच्चा पैदा हुआ इसका? एच आर नहीं पी पैराग्राफ पैदा हुआ, फिर उसके बाद एच आर आया, फिर उसके बाद बी आर आया। सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? बी आर अभी आया है। ठीक है, दुनिया में तो ऐसे आप जितने बी आर डालते जाओ यहां पे, इतने ये आ गए। समझ गए बात बेटा? यहां कोई कंफ्यूजन? और ये बी आर हर एक के बाद, इसके बाद भी आपने लफ्ज लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप बी आर लिखते जाओ हर एक लाइन के दौरान, जिस टैग के दरमियान आपको गैप है। जैसे एक एच वन लॉरम थ्री, एच टू लॉरम थ्री, आगे। अब इन दोनों के दरमियान तो पहले से गैप है ना, इनमें गैप की जरूरत है? हो सकती है। अगर आपको ज्यादा गैप चाहिए आप बी आर लिखो। अब देखो हाँ, यहां पे इसके दरमियान में यहां पे लिखो बेटा, यहां पे लिखो बेटा, ठीक है, इस तरीके से। और बी आर चाहिए इनके दरमियान है आप ये। अच्छा देखो, ये दोनों भी अभी इनके दरमियान में बी आर लगा है नहीं, इन दोनों के दरमियान नहीं लगा, गैप है नहीं है इन दोनों के दरमियान है। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों एक ही लाइन में आते, लेकिन बी आर की वजह से ही ब्रेक हुई है, लाइन दूसरी लाइन में आए, फिर बी आर लगाते जा रहे हो, नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है। समझ गए बात? क्लियर है? कॉपी पेन बात रखा हुआ है ना, ये लिख रहे हो ना, ये सारे टैग्स की प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी पेन रख के अभी बेसिक प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वीक ऐसा कर दूंगा, आपको टैग्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद समझ जाओगे ये। समझ गए बात? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम, शाबाश। अभी कुछ और देखते हैं। पी हटो यार, पहले हम H1 से स्टार्ट करते हैं। H1 लॉरम थ्री, यहाँ आते हैं HR लाइन आ गई, फिर P मुख्तलिफ चीज़ें आ गई लॉरम, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल लाइन को ब्रेक करना है तो BR डाल दिया। अब देखो ज़रा कैसा हो गया। अब यहाँ से भी ब्रेक करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा, कहाँ से? अबे भाई कहाँ है ये? नाम से एन ए एम कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, यहाँ से भी ब्रेक करता हूँ, ठीक है भाई, ये आ गया। और क्वेश्चन मार्क से पहले, क्वेश्चन मार्क से ब्रेक करता हूं, आ गया, सही है भाई, समझ गया। ठीक है, अब एक काम करता हूं बिलफर्स, ये मैंने इसमें मुझे एसईडी कोई चीज है, किसी खास चीज का नाम है या ये, इसको कैपिटल बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड, हाईलाइट करना है यार, ये नजर आए बड़ा सा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आएंगे बी लिख के इंटर मारूंगा, गैप देके साथ नहीं लिखना। यहां बच्चे बी लिख के ऐसे लिख रहे हैं, इंटर नहीं आएगा, स्पेस देके आगे पीछे स्पेस और बी लिख के इंटर करो, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। जो वर्ड कैपिटल करना है, दो चाहिए तीन चाहिए, उसको कट करो, इसके दरमियान में लिख दो। अब जो बी के दरमियान में, बी क्या है? बोल्ड, बी फोर बोल्ड, यहां आ जाओ और ये देखो ये वर्ड बोल्ड हो गया।
समझ आ रही बात? ये देखो ये वाला वर्ड बाकियों से हट कर है या नहीं, समझ गए बात? अच्छा ये टैग, अब ये टैग किसका बच्चा है? ये इस पैराग्राफ का बच्चा हो गया, ठीक है? पैराग्राफ के अंदर ये एक टैग आया बी, इसी तरीके से बी है एक और टैग है, वो क्या है इसको समझते हैं। ये लॉरेम इप्सम लिखा है ना, या इधर डॉलर है, आई लिख के इंटर मारो, आई फॉर आइसक्रीम, लेकिन यहां इटैलिक होता है, इटैलिक मतलब ऐसे टेढ़ा, ठीक है? ऐसे करके ये थोड़ा सा डिंगा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे टेढ़ा हुआ हुआ, और ये थोड़ा सा मोटा हुआ हुआ, ये खाते पीते खानदान से वो बेचारे को लकवा हुआ हुआ पैदा होते साथ, ठीक है? आपने आई में उसको, ये हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है? इसके साथ वो वाला सीन हुआ है। अच्छा बी भी हो गया, एक है यू, यू फॉर, यू फॉर क्या होता है एबीसीडी में, क्या होता है यार? अच्छा यार याद ही नहीं रहता, जमाना हो गया एबीसीडी नहीं पढ़ी, आज जाके रिपीटेशन करेंगे। यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। अब पी के कितने बच्चे? ठीक है सारे हो गए। ये बी आर भी इसी का बच्चा है, लेकिन ये बी आर बेचारा कुआरा है, ये इसकी शादी नहीं हुई, इसकी कोई देखो जोड़ीदार नहीं, आई क्लोजिंग और ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये बेचारा अकेला ही रहता है यार, इसको किसी से मतलब नहीं है, अकेले रियो खाओ पियो जियो, ऐसा होता है। ये आ गया, समझ गए यहाँ तक, कोई मसला? कितने टैग पढ़ लिए, क्या हो गया? बी आर आई हो गया। अब यहाँ इसको मैं पॉज करता हूँ, आप अब इससे जो चीज़ समझ आ रही है अप्लाई करो,